वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। ये काफ़ी टाइम बाद बीएड आई मुझे, बहुत इंतज़ार था मुझे यार बीएड का। बस एक जॉब के सिलसिले में मैंने अपनी बीएड काट दी थी, रिक्वायरमेंट थी जॉब की कि बीएड अपनी कटवानी पड़ेगी आपको, तभी जॉब मिलेगी। बीएड भी कटवा दी, जॉब भी नहीं मिली। बहुत टाइम बाद मैंने अपनी बीएड काटी थी, आफ्टर कोई 6-7 ईयर्स। फाइनली आज मुझे कोई अपना चेहरा दोबारा पहले जैसा नज़र आ गया, खिला खिला स्माइली सा। और कोरोना के बाद कल जाकर मैंने अपनी बीएड थोड़ी सेट करवाई, कटिंग करवाई। तो बताएं मुझे कैसी लुक आ गई है मेरी आफ्टर कटिंग एंड बीएड के बाद, कैसी लुक आई है मेरी बताएं यार, कमेंट में आए बताएं मुझे। अपडेट आपको नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग मुझे कमेंट नहीं करेंगे, मेरी वीडियो ये वाली लाइक नहीं करेंगे। करेंगे ऑफ कोर्स। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स का, बहुत ज़्यादा मुझे मेरे चैनल पे सपोर्ट मिल रही है आप दोस्तों की, बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। इंशाल्लाह मैं आपको और अपडेट्स दूंगा, इंशाल्लाह बहुत सी अपडेट्स देता रहूंगा इस चैनल पे। आप मेरे चैनल में मेरे साथ रहिए, मुझे सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट होगी तो ही वीडियोस बनाऊंगा। नहीं तो इस टाइम मैं CIU में आया हुआ हूँ, खामोशी का आलम, कोई बंदा नहीं ना बंदे की ज़ात। यार मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा सिख भाई भी आए हुए हैं, तो उन सिख भाइयों को सत श्री अकाल, नमस्ते। इंडियन भी हैं काफ़ी, आप लोगों मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हो यार, थैंक यू सो मच। CIU में मैं आता रहता हूँ यूनिवर्सिटी में, क्योंकि एक फील आती है यार कि यूनिवर्सिटी है। बेशक ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, लेकिन एक इंसान को फील आ जाती है यूनिवर्सिटी में आने के बाद, तो ऐसी बात नहीं है। यूनिवर्सिटी में मैं इसलिए आता हूँ क्योंकि बेसिकली जो मेरी ट्रांसपोर्ट है ना, वो मुझे यूनिवर्सिटी आके फिर यहाँ से लेके जानी पड़ती है, मुझे मोस्टली ऐसा होता है। अब मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी की तरफ। बेसिकली ये जो पीछे आपको डिपार्टमेंट नज़र आ रहा है, ये इस टाइम मैं ये बैक पे जो नज़र आ रहा है आपको सारा, ये सारा मेरा डिपार्टमेंट है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि MBA का भी यही डिपार्टमेंट है, MSc का भी यही डिपार्टमेंट है। बेसिकली मैं MSc कर रहा हूँ और मैं स्टूडेंट ही हूँ, एजेंट नहीं हूँ यार, 1000 दफ़ा बता चुका हूँ आप लोगों को, मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ। 7 सब्जेक्ट हैं मास्टर्स के, एक दफ़ा दोबारा सुन लीजिएगा, 7 सब्जेक्ट्स हैं मास्टर्स के और 3 सब्जेक्ट्स हैं एक्स्ट्रा। वो आप 3 सब्जेक्ट्स उठा लें या 1 थीसिस उठा लें, 1 थीसिस के बराबर 3 सब्जेक्ट्स हैं। तो ये आपकी मर्जी है कि आपने 3 सब्जेक्ट्स उठाने हैं या फिर आप लोगों ने थीसिस उठाने हैं। मोस्टली गाइस थीसिस ही उठाते हैं, प्रोफेशनल फील्ड में बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट देते हैं थीसिस। वेल वेदर आजकल यहाँ पे ज़रा काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, लेकिन इस टाइम मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। 5 बजे हैं अभी, धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, लेकिन हवा चलना शुरू हो जाती है इस टाइम, काफ़ी अच्छा मौसम हो जाता है। तो बैक पे आई थिंक आप लोगों को नज़र आ रही होगी, नहीं मुझे भी नहीं आ रही फ़िलहाल तो। आपको क्या नज़र आ रही होगी वो देखें, आई नज़र नहीं आई, थोड़ा सा करीब होके देखें। मैं मेरा कैमरे का रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं है कि शायद मैं उसे जूम करूं तो वहां तक जाए, पिक्सल फट जाएंगे। वेल वो पीछे हाला सुल्तान है, जो यहाँ पे पाकिस्तानी भाई आते हैं, वो यूनिवर्सिटी में आफ्टर यूनिवर्सिटी वहाँ पे जुमा नमाज़ पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी मस्जिद है। इंशाल्लाह उस मस्जिद का भी किसी दिन रिव्यू बनाऊंगा, उसकी भी वीडियो वगैरह बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल नहीं फ़िलहाल। तो अब मैं आहिस्ता आहिस्ता लाइब्रेरी की तरफ जा रहा हूँ। लाइब्रेरी आपको बाहर से थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ लाइब्रेरी का। बेसिकली मैं लाइब्रेरी नहीं जा रहा, मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। वहाँ पे लाइब्रेरी के पास एक प्लेस है नेचर कैफ़े, मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि मेरी फेवरेट प्लेस है वो।
वहाँ पे जब भी मैं सुकून चाहता हूँ मैं वहाँ पे आके बैठता हूँ। आफ्टर जॉब मैं मोस्टली यहाँ पे आके बैठता हूँ, अकेला ही बैठना पसंद करता हूँ, सुकून से चिल माहौल पे लूने मीठे चोल। तो ये मेरे बैक पे इस टाइम लाइब्रेरी है, ये सारी आपको लाइब्रेरी का मैं व्यू दिखा दूँ, ये सारा लाइब्रेरी है, ये देखें इस टाइम बंद हुई पड़ी है, बाहर इन्होंने रिबन लगाया हुआ है कि क्लोज है। या अल्लाह जल्दी से कोरोना ख़त्म हो जाए फिर यूनिवर्सिटी प्रॉपर तरीके से चलना शुरू हो जाए। कोरोना का भी यार कोई समझ नहीं आ रही है नहीं है, अजीब इसने भी एक ड्रामेबाजी शुरू की हुई है। आप मुझे बताएं कोरोना है, कोई कोरोना का पेशेंट देखा आपने? मैंने तो नहीं यार देखा, साइप्रस में फ़िलहाल मैंने तो अभी कोई केस नहीं देखा, वैसे भी मैंने कभी वीडियो में भी नहीं देखा यार ये बंदा कोरोना का पेशेंट है या नहीं है, होगा पता नहीं है या नहीं है, अजीब सी एक कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है ये। ये देखें सारी लाइब्रेरी है, ये मैं इस टाइम नेचर कैफ़े में आ गया हूँ, ये देखें सारा बैकग्राउंड पे नेचर कैफ़े, बहुत अच्छा यार मेरी फेवरेट प्लेस। तो इस टाइम मैं अपनी फेवरेट जगह पे आ गया हूँ, यहाँ पे अब लेटूँगा बैठूँगा रेस्ट करूँगा थोड़ा, तब तक मेरी बस का टाइम हो जाएगा, फिर घर जाके वही घर के काम, खाना बनाना, सफाई, रेस्ट, कुछ काम पेंडिंग है वो भी करने हैं, और ऊपर से लोगों के कंप्लेंस, घर वालों की कंप्लेंस के बात नहीं करते यार, बात नहीं करते, हाय ये ज़िंदगी है बाहर वालों की। वेल चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कर दें यार। इस टाइम मैं मस्जिद से नमाज़ पढ़ के निकल रहा हूँ, बहुत सुकून मिला है, बहुत हाला सुल्ताना आप लोगों ने नाम सुना होगा, मैं अक्सर वीडियोस में बताता भी हूँ इसका, और इंशाल्लाह इस पर भी मैं अपना एक व्लॉग बनाऊंगा, इसका भी अंदर से ओवरऑल आपको सारा व्यू वगैरह दिखाऊंगा। नमाज़ पढ़ें आप लोग भी, एज ए मुसलमान हम सब पे फ़र्ज़ है कि नमाज़ पढ़नी चाहिए, मुश्किलात में हमें अल्लाह से मांगना चाहिए, अल्लाह को अपनी मुश्किलात बताएंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात आसान करेगा। मेरी आप सब फ्रेंड्स, सब मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर जितने भी हैं सबके लिए मैं दिल से दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक आप सबकी मुश्किलात दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इसके अलावा साइप्रस में जो मुसलमान जो पाकिस्तानी हैं अल्लाह ताला उनकी भी मुश्किलात दूर फरमाए, साइप्रस के अलावा बाहर में ये मैं जितनी कंट्रीज़ भी बाहर की जितनी कंट्रीज़ हैं जिनमें मुसलमान पाकिस्तानी जितने भी हैं मुश्किलात में, अल्लाह पाक उनकी मुश्किलात को दूर फरमाए। अल्लाह हाफिज़।